नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे फंक्शनल मेलेफिक्स एंड बेनिफिक्स फॉर जेमिनी असेंडेंट के बारे में, यानी कि मिथुन लग्न के लिए मेलेफिक्स और बेनिफिक्स कौन कौन से प्लैनेट हैं उसके बारे में। तो इसके लिए हम लोग सेम प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे जैसे कि हमने इसी सीरीज़ के पिछले लेक्चर्स में फॉलो किए हैं। तो आइए, हमारा जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो कहता है कि त्रिकोण लॉर्ड्स ऑलवेज गिव बेनिफिक रिजल्ट्स रिगार्डलेस ऑफ द नेचर ऑफ द लॉर्ड्स, यानी कि जो त्रिकोण के स्थानों के मालिक हैं वो अच्छे और शुभ फल देते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं त्रिकोण कौन कौन से हैं। फर्स्ट त्रिकोण है हमारा लग्ना, उसका लॉर्ड है यहाँ पे मरकरी। आइए उसको लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग मरकरी। जो सेकंड त्रिकोणा है फिफ्थ हाउस, उसका लॉर्ड है वीनस। और जो थर्ड त्रिकोणा है उसका लॉर्ड है सैटर्न। तो जो ये तीन प्लैनेट्स हैं इनकी मिथुन लग्न के लिए अच्छे रिजल्ट्स देने की क्षमता रखते हैं ये प्लैनेट्स। तो आइए अब हम नेक्स्ट प्रिंसिपल के ऊपर मूव करते हैं। जो हमारा सेकंड प्रिंसिपल है वो कहता है बेनिफिक प्लैनेट्स एज केंद्रा लॉर्ड्स गिव मेलेफिक रिजल्ट्स एंड मेलेफिक प्लैनेट्स एज केंद्रा लॉर्ड्स गिव गुड रिजल्ट्स। अब मिथुन लग्न के अगर हम केस में देखते हैं तो जो सेवन्थ हाउस है और टेंथ हाउस है, इसकी लॉर्डशिप है जुपिटर के पास। तो जुपिटर तो बाय नेचर बेनिफिक प्लैनेट है, इसी वजह से मिथुन लग्न में जुपिटर जो है वो एक मेलेफिक बन जाता है, तो शुभ फल नहीं देगा। अब हम आते हैं लग्न और फोर्थ लॉर्ड, इसकी ओनरशिप है मरकरी के पास। अब देखिए, अगर मरकरी मेलेफिक्स के साथ हो मिथुन लग्न के जातक में तो वो मेलेफिक बन जाएगा। तो मेलेफिक होने की वजह से ड्यू टू ओनरशिप ऑफ केंद्रास वो एक बेनिफिक प्लैनेट बन जाता है। यानी कि अगर मरकरी हमारा सन के साथ हो या सैटर्न के साथ हो या मार्स के साथ हो और राहु केतु एक्सिस में हो तो वो एक मेलेफिक बन गया। अब क्या है, सन सैटर्न मार्स इनके साथ एस्पेक्ट भी हो सकते हैं तब भी वो बाय नेचर मेलेफिक हो जाएगा। तो उस केस में मिथुन लग्न के लिए वो एक बेनिफिक बन जाता है बींग अ केंद्रा लॉर्ड, तो फिर वो गुड रिजल्ट्स देता है। और अगर वो अकेला हो या फिर बेनिफिक्स के साथ हो, यानी कि जुपिटर के साथ, वीनस के साथ या बेनिफिक मून के साथ हो, तो फिर वो मेलेफिक रिजल्ट्स देगा इस लग्न के लिए। तो अब नेक्स्ट प्रिंसिपल पे आते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा लॉर्ड्स ऑफ थर्ड, सिक्स्थ एंड इलेवेंथ हाउस आर मेलेफिक्स। यहाँ पे थर्ड लॉर्ड के जो ओनर हैं वो हैं सन, सिक्स्थ के ओनर हैं मार्स और इलेवेंथ के ओनर भी मार्स हैं। मार्स के पास सिक्स्थ हाउस और इलेवेंथ हाउस की ओनरशिप है। तो ये दो प्लैनेट्स जो हैं वो मेलेफिक्स बन गए इस लग्न के लिए। तो अब नेक्स्ट प्रिंसिपल पे आते हैं हम। सेकंड, एट्थ एंड ट्वेल्थ लॉर्ड्स आर न्यूट्रल्स, यानी कि इस केस में जो न्यूट्रल्स हैं वो हैं हमारे मून, सैटर्न और वीनस। तो ये जो तीन प्लैनेट्स हैं ये न्यूट्रल्स बन गए। अब आइए, अब हम एक कंबाइंड पिक्चर देखते हैं इस लग्ना के लिए कि किस प्रकार से ये सब प्लैनेट्स वर्क करते हैं। तो इसको पहले हम लोग इरेज कर लेते हैं ताकि एक क्लियर पिक्चर लिख सकें हम यहाँ पे। तो देखिए, जो मरकरी है
वो तो बिकॉज ऑफ ओनरशिप उसको हम केस बेसिस के ऊपर ही डिसाइड कर सकते हैं कि वो गुड रिजल्ट्स देगा कि बैड रिजल्ट्स देगा, बट स्टिल मर्करी बीइंग अ लग्न लॉर्ड तो अच्छे रिजल्ट्स कुछ तो देगा ही, इसलिए हम मर्करी तो लिख ही लेते हैं एज अ बेनिफिक। अब हम आते हैं मून पे। मून तो हम कि जैसे हम देख रहे हैं कि न्यूट्रल प्लैनेट है और बीइंग अ सेकंड लॉर्ड यानी कि मारक स्थान के ओनर हैं, तो इस वजह से मून को इतना अच्छा नहीं माना जाता इस लग्न के लिए। थर्ड लॉर्ड जो हैं सूर्य वो तो मैलिफिक है ही, वो बहुत क्लियर है। फोर्थ तो हमने जैसे बात की कि मर्करी की स्ट्रेंथ और उसकी इन्फ्लुएंसेस के बाद ही डिसाइड कर सकते हैं कि वो गुड रिजल्ट्स देंगे कि नहीं देंगे, जैसे हमने अभी बात की थी। अब हम आते हैं फिफ्थ लॉर्ड वीनस पे। अब जो वीनस है वो सेकंड लॉर्ड, सॉरी वीनस जो है वो फिफ्थ लॉर्ड है। यहाँ पे वीनस इज फिफ्थ लॉर्ड एंड ट्वेल्थ लॉर्ड, यानी कि योग कारक स्थान का मालिक है और एक न्यूट्रल हाउस का मालिक है, जिसमें से अगर आप देखें तो जो फिफ्थ हाउस है ये शुक्र का मूल त्रिकोण स्थान है, मूल त्रिकोण दैट इज पॉजिटिव राशि फॉर वीनस। इसी वजह से वीनस जो है वो मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए राज्यों कारक ग्रह बन जाता है, इसलिए वीनस की काफ़ी अच्छी इम्पोर्टेंस है यहाँ पे। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग आते हैं सिक्स लॉर्ड पे। मार्स सिक्स एंड इलेवेंथ लॉर्ड है मार्स यहाँ पे, यानी कि सिक्स एंड सिक्स फ्रॉम सिक्स, यानी कि अगर हम छठे घर से गिनेंगे तो एक दो तीन चार पाँच छः, यानी कि छठे से छठे का मालिक। तो इस वजह से मार्स जो है वो पूर्ण मैलेफिक बन जाता है इस लग्न के लिए। जुपिटर तो हम लोगों ने बात कर ही ली है कि उस पर केंद्राधिपति दोष लगता है और वो बेनिफिक नहीं है इस लग्न के लिए। अब हम आते हैं सैटर्न के ऊपर। जो सैटर्न है उसके पास ओनरशिप है एट्थ हाउस की और नाइन्थ हाउस की, एट्थ और नाइन्थ हाउस की ओनरशिप है सैटर्न की, जिसमें से शनि का जो मूल त्रिकोण स्थान है वो है कुंभ। इस वजह से सैटर्न भी बेनिफिक हो जाता है, उसमें भी गुड रिजल्ट्स देगा शनि यहाँ पे। तो कभी भी मिथुन लग्न की कुंडली अगर हम लोग जज करते हैं तो ये तीन प्लैनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे, मर्करी, वीनस और सैटर्न। इन तीनों की स्ट्रेंथ और इनके कॉम्बिनेशंस हमें ज़रूर एनालाइज करने चाहिए, क्योंकि जो भी जातक है उसको इन तीन प्लैनेट से ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इस कुंडली के अंदर। तो हमेशा इनको ध्यान से एनालाइज कीजिए और देखिए कि इनके बाकी प्लैनेट्स के साथ किस प्रकार के कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं और इनकी अपनी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ कैसी है, क्योंकि अगर इन तीन प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ नहीं होगी तो फिर वो रिजल्ट्स देने में सक्षम नहीं होंगे। तो अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कर्क लग्न को डिस्कस करेंगे, और अगर आपके कोई भी सवाल हो मिथुन लग्न के बारे में तो मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मेरे को कभी भी ईमेल कर सकते हैं। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इस सीरीज़ में जितने भी नए वीडियोस हम डालें वो आप देख पाएँ। धन्यवाद।